हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जी एस पाइनियर। करंट अफेयर के इस सेक्शन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को हर साल बजट के एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है और आज 31 जनवरी 2020 को निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे दोनों सदनों में पेश किया गया, जिसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा तैयार किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे है क्या? इकोनॉमिक सर्वे मौजूदा सरकार के द्वारा किए गए कामों का पूरे साल भर का एक ब्यौरा होता है, साथ ही ये इकोनॉमी के करंट कंडीशन के बारे में भी गहरी समझ देता है। ये इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को भी दर्शाता है, साथ ही उनके उपायों के बारे में भी फोकस करता है कि किस एरिए में क्या स्टेप्स लेने चाहिए। हर साल इकोनॉमिक सर्वे बुक का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है, जो सर्वे के फोकस एरिए को भी दर्शाता है। इस बार के सर्वे बुक का कलर लिवेंडर है, जिसे हिंदी में मोतिया रंग कहते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने बताया कि इस सर्वे में रंग का मतलब नया रुपया तथा नए पुराने का संगम है। ये वही कलर है जो 100 रुपये के नोट पर होता है। ये लेवेंडर कलर को कई कल्चर में इसे युवा, जीने की इच्छा और तरक्की का प्रतीक मानते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर जुलाई से सितंबर के बीच में जीडीपी ग्रोथ काफ़ी कम रहा, 4.5% के करीब आ गया, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 5% तक इसके रहने का अनुमान है। वहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 6 से 6.5% तक रह सकता है। इस बार के सर्वे की थीम है इनेबल मार्केट, प्रमोट प्रो बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी। मतलब मार्केट को सशक्त बनाना और जो प्रो बिजनेस पॉलिसीज हैं उन्हें प्रमोट करना और मार्केट के बीच में एक ट्रस्ट पैदा करना। सर्वे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में, कि आने वाले टाइम में उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। और ये एथिकल वेल्थ क्रिएशन की बात करता है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए। सर्वे कहता है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जो एडअप करना था वो बहुत ही जल्दी एडअप कर लिया गया है टाइम से पहले ही, तो आने वाले टाइम में हम जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसको टाइम से ही अचीव कर लेंगे। सर्वे के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले कई सालों में लगातार कम हुई है, जैसे 2016-17 में 8.2 थी और उसके बाद 7.2, और ये इस तरह से लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम हुई है। 2019-20 का ये फाइनल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेटेड आंकड़ा है कि ये 5% तक के इसके रहने का अनुमान है। फिस्कल डिफिसिट की बात करें तो रिवाइज्ड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये 3.4% रहा है, और वहीं 2019-20 में इसे 3.3% तक रहने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो फाइनल डेटा आएगा वो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन अभी सर्वे के अकॉर्डिंग इसे 3.3% का ही अनुमान लगाया गया है। और वहीं इन्फ्लेशन की बात करें तो इस बार जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 4.1% के रहने का अनुमान है 2019-20 में, और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये 1.5% रहने का अनुमान है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो जैसा अभी हमने पीछे की स्लाइड में देखा कि इस बार का ग्रोथ रेट 5.0% रहने का अनुमान है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019-20 में ग्रोथ रेट जो है वो 5% तक रहने का अनुमान है। ये भी फाइनल डेटा तो नहीं है, लेकिन फाइनल डेटा में ये बहुत कम अंतर से कम या ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास ही रहेगा। और वहीं 2020-21 की बात करें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें 6 to 6.5% ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। और सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में इस फाइनेंशियल ईयर में 6.9% का ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है। और वहीं इस बार इंडस्ट्रियल एरिया का जो ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट से कम हो गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो 2.5% है और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.8% पर अनुमानित किया गया है। वहीं अगर फॉरेन रिजर्व की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 413 बिलियन डॉलर था, वो अब बढ़ करके 461.2 बिलियन डॉलर हो गया है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर ग्रोथ रेट के सीक्वेंस को देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट देखने को मिली थी वो सर्विस सेक्टर में देखने को मिली थी। हम लोगों ने पिछले पेज पर देखा था, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट 6.9% है। और वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वो 2.5% ही है और एग्रीकल्चर 2.8%। इस बार के ग्रोथ रेट में एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया से ज़्यादा ग्रोथ किया है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट एग्रीकल्चर में बहुत कम है, 0.01% का है। तो इसके कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर से आगे निकल गया, बल्कि हुआ ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये सेकेंड पोजीशन पर आ गया, थर्ड पोजीशन पर आ गया है एग्रीकल्चर के बाद। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट हमने देखा, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में, उसके बाद नंबर दो पर एग्रीकल्चर और नंबर तीन पर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की बात करें तो इस बार एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की बात की गई है, और ये बताया गया है सर्वे में कि जिन पीएसयूज़ का डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कंपेयर टू जो पीएसयू अभी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट करके 1.05 ट्रिलियन रुपीस का कलेक्शन करने का टारगेट रखा गया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में जिसको ख़रीदा और बेचा जाता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 10 सेंट्रल आइडियाज़ की बात की गई है, जिसमें वेल्थ क्रिएशन है, और ये बताया गया है कि वेल्थ क्रिएशन से सभी का फ़ायदा होता है। दूसरा है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ये मोर और लेस डिमांड एंड सप्लाई से इसका मतलब है कि मार्केट जो है, अगर मार्केट में डिमांड है तो ऑटोमेटिक अपनी सप्लाई जनरेट कर लेती है। तो इसमें बताया गया है कि वे इनविजिबल हैंड जो है वो वेल्थ क्रिएशन, इनविजिबल हैंड से वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलती है। और तीसरी बात जो की गई है वो ट्रस्ट के बारे में बात की गई है, कि ट्रस्ट जो है एक पब्लिक गुड है और इसे यूज़ करने से ये बढ़ता है लोगों के ऊपर। जब हम ट्रस्ट करते हैं तभी ट्रस्ट बढ़ने का चांस है। तो इसमें ये मोस्टली इस बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट जो आंकड़े पेश करती है वो उस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, जो चीज़ रियल है गवर्नमेंट उसी चीज़ को बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो इतना कंट्री की ग्रोथ इतनी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा कम है, और ये गवर्नमेंट इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रही है। तो इसमें इस बारे में फोकस किया गया है कि जो भी आंकड़ा गवर्नमेंट दे रही है वो सही है, ऐसा नहीं है कि उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। चौथी बात, ग्रास रूट इंटरप्राइजेस की बात की गई है, कि जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस होते हैं ये वेल्थ क्रिएट करने में इनसे बहुत मदद मिलती है। जो डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे छोटे छोटे वर्क के लिए। और नेक्स्ट है कि प्रो बिजनेस पॉलिसीज के बारे में, कि ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। और क्योंकि बिजनेस जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे जॉब क्रिएशन होगा, और जॉब क्रिएशन होगा तो सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम से कम रखने की बात की गई है, कि जितना कम से कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। 1980s के दशक में मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फेल होते थे, तो उस टाइम में गवर्नमेंट इंटरवेंशन अच्छा था, लेकिन आज के टाइम में ये फायदे के बजाय इससे नुकसान हो रहा है मार्केट को। तो जितना कम से कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो उतना बेटर है। इस बार के सर्वे का जो नारा है वो है असेंबल इन इंडिया और मेड इन इंडिया। असेंबल इन इंडिया का मतलब है कि हम कई सारे पार्ट्स जो है वो बाहर से लेके आते हैं और यहाँ उसको कंप्लीट प्रोडक्ट के तौर पे उसको इंडिया में सेल करते हैं, या फिर यहाँ से असेंबल करके किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दें। इसमें बात की गई है कि इन दोनों को मर्ज करके जो है वो जॉब क्रिएशन के बारे में फोकस किया गया है। और नेक्स्ट है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग वो टॉप 50 में लेकर के आने का लक्ष्य रखा गया है।
और बैंकिंग सेक्टर को ऐसे बनाने की बात की गई है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा आसानी से इसको यूज़ किया जा सके। जैसे आजकल बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि UPI है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग को आसानी बनाया गया है। तो इसमें ऐसे ही और ज़्यादा इस पर फोकस करने की बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग को आसानी से यूज़ कर सकें। और नेक्स्ट है थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है कि वेज और जो नॉन वेज थालियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें अफोर्डेबल बनाया गया है। अफोर्डेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि इसमें इसको सस्ता कर दिया गया है। आज से 10 साल पहले जो लोगों की जो इनकम थी उसके कंपेयर में जो उनका थाली के ऊपर जो खर्च आता था वेज और नॉन वेज पे, और आज के टाइम पे जो लोगों की इनकम है और उसके कंपेयर में जो थाली के ऊपर खर्च है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। जैसे कि वेज थाली के ऊपर लगभग 28% की कमी आई है और वहीं नॉन वेज थाली के ऊपर लगभग 14% की खर्च की कमी आई है। और इस ग्राफ के थ्रू ये दिखाया गया है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है, इसका जिसका असर इंडिया पर भी है। वहीं IMF के चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें गीता गोपीनाथ की, उनका तो अलग ही कहना है। उनका कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर रही है, इसलिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है इसका असर पूरे वर्ल्ड पर देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करें तो इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि 2011-12 से लेकर के 2017-18 तक लगभग 2.62 करोड़ न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट की गई हैं, जिसमें 1.21 करोड़ रूरल एरियाज़ में जॉब क्रिएशन हुआ है और 1.39 करोड़ अर्बन एरियाज़ में। और ये जॉब क्रिएशन सिर्फ रेगुलर वेजेस में ही नहीं बल्कि सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में भी हुआ है। और बात करें अगर वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट की तो रेगुलर वेजेस में वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है वो 8% रहा है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 69.03 लाख पीपल को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक अचीव करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $1.4 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कमी होने की वजह से जो है इकोनॉमी जितना ग्रो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। कई सेक्टर में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए, जैसे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो लास्ट लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। थैंक यू।